रूल ये है कि 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आप टोल पे रुकते हो तो आपका टोल फ्री है। अच्छा। हाँ, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको रोक नहीं सकते। अभी देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। क्यों भाई, गडकरी जी का ऑर्डर है कि 10 सेकंड तक अगर रुकते हो तो अपना टोल एक्सेस निकालना पड़ता है। कोई रूल फॉलो करता नहीं उसे। क्यों नहीं करते वैसे आप? नहीं करते, कोई नहीं करता यार। नहीं, आप क्यों नहीं करते? तुम लोग नहीं करते हो। ये 2 मिनट हो चुका है टाइम। 2 मिनट तुम्हें यहाँ खड़े खड़े कितना टाइम हो गया? 2 मिनट रिकॉर्डिंग है। चलो वो कोई बात नहीं, अपनी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, ये है टोल प्लाज़ा जो कि आता है भिंड और इटावा के बीच में। और इस वीडियो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो टोल पे जो एम्प्लॉई है उसने साफ मना कर दिया कि जो 10 सेकंड्स वाला रूल है वो हमारा टोल प्लाज़ा नहीं मानता है। और इस वजह से आप कितना भी वहाँ पर वेट करें, 5 मिनट या 10 मिनट या उससे ज़्यादा, आपको वहाँ पर टोल दे के ही रोड क्रॉस करना होगा। तो एक तरफ ये जो टोल प्लाज़ा वाले हैं, ये NHAI के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए फास्टैग अगर आपके पास नहीं है तो आपसे डबल टोल लेते हैं। तो वहाँ पर ये NHAI का जो भी रूल है, गाइडलाइंस, उनको प्रॉपरली मानते हैं। वहीं पर जहाँ पर कस्टमर्स की या फिर पैसेंजर्स की वेलफेयर की जब बात आती है तो ये वहाँ पे NHAI के जो रूल्स है वो नहीं मानते और आपको वहाँ पर डबल टोल या फिर आपका जो भी टोल बनता है वो आपको दे के ही पास करना पड़ता है। इस स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हैं क्लियरली ये 31 मई 2021 के अराउंड आया है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आप वेट करते हैं तो आपको बिना टोल पे किए आप उस टोल बैरियर से निकल सकते हैं। लेकिन कोई भी, मुझे लगता है, इस देश में जो टोल प्लाजा है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पर ज़्यादा टोल पे करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये जो टोल प्लाजा की जो गुंडागर्दी है ये कम हो और जो हमारे राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से रोड पे ट्रैवल कर सकें।